पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ चेतना अभियान दिनांक 26 सितंबर से 4 अक्टूबर 2022 तक चलाया जा रहा है। उसी के तहत पानसिमल थाना प्रभारी लखन सिंह बदेल के द्वारा पानसिमल कॉलेज के क्षेत्र छात्राओं को ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है और यह किस प्रकार से होती है और इसमें किस प्रकार से छोटी बच्चियों, बच्चों और महिलाओं को शिकार बनाया जाता है, उसके संबंध में विस्तार से एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत जानकारी दी गई। कॉलेज के छात्र एवं महिलाओं को पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी लघु फिल्म सुनहरे पंख असली हीरो दिखाई एक एवं बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं महिलाओं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की जानकारी एवं उनसे बचने के तरीकों के बारे में बताया एवं आज के समय में किस तरह थोड़े पैसों के लालच में बच्चों को काम कर बाहर भेज देते हैं और उनके साथ कैसे अपराध घटित होते हैं इस बारे में जानकारी दी। साथ ही महिलाओं एवं बच्चियों को उनके साथ होने वाली किसी घटना को परिजनों को बताए एवं पुलिस के पास बिना डर के आने के लिए बताया। छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली सोशल मीडिया पर होने वाले फ्रॉड के बारे में बताया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी लखन सिंह बदेल, उन्हीं ममता चमरा, मोप्रा आर अनीता, आर विशाल, आर महेंद्र व कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश सोलंकी, डॉक्टर रजनी सोलंकी, डॉक्टर मंजुला चौहान, डॉक्टर सुनील बागले और कॉलेज के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पानसिमल तहसील से पर महेंद्र सोनवणे की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मानव दुर्व्यवहार के संबंध में कॉलेज के छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए एक छोटा सा व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत बच्चों को मानव दुर्व्यवहार से संबंधित एक दो दो मिनट की शॉर्ट फिल्में भी दिखाई गई। साथ ही महिला उत्पीड़न संबंधी अपराधों के बारे में बताया गया एवं उसके बचाव के संबंध में भी शॉर्ट फिल्म के माध्यम से भी बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया। साथ ही वर्तमान में यातायात की बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तथा लगातार साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं, इस संबंध भी बच्चों को जागरूक के लिए समझाइश दी गई।